आज पलवल जिले में न केवल दिव्यांगजन से संबंधित जो योजनाएं विभिन्न विभाग लागू कर रहे हैं उनकी समीक्षा करने के लिए आया हूँ, अपितु दिव्यांगजन के जो अधिकार हैं उनकी भी समीक्षा करके उनको इस प्रकार का जागरूक करने के लिए आया हूँ। उनकी बहुत सारी समस्याएं मौके पर सुनी गई हैं, उनका बहुतों का निदान किया गया है। कुछ तो समस्याएं इस प्रकार की जो राज्य स्तरीय उनको वहाँ जा कर के चेकअप किया जाएगा। जिला प्रशासन से संबंधित समस्याओं को या तो मौके पर निपटाया गया है या आने वाले कुछ ही समय में उनको निपटा दिया गया। दिव्यांगों को बहुत प्रकार की सुविधाएँ और उनकी उनका हक है, जैसे सुगमता है तो बैंक हैं, सार्वजनिक भवन हैं और उन तमाम के अंदर जो है दिव्यांग आराम से अपनी व्हील चेयर के साथ में जा सके, और ब्लाइंड है तो ब्लाइंड के लिए टैक्टाइल उपलब्ध होनी चाहिए, साइन लैंग्वेज के आधार पर साइन बोर्ड्स होने चाहिए, रोडवेज के अंदर लिखा जाना चाहिए कि सीट नंबर 3 उनके लिए आरक्षित है। तो इस प्रकार की सुगमता का विषय है उसके बारे में है, और उनका नौकरियों में आरक्षण है तो हरियाणा सरकार 4% आरक्षण प्रदान कर रही है। आज पलवल रेस्ट हाउस में हमारे दिव्यांगजन कमिश्नर साहब राजकुमार मक्कड़ जी ने खुला दरबार लगाया है, जिसमें दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना है और उनका समाधान करने का निर्देश दिया है बहुत सारे। और जो सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे आपको गाड़ी खरीदने पर GST में छूट हो, चाहे टोल टैक्स फ्री हो, चाहे आप रोडवेज में बस पास फ्री हो, बहुत सारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनका उन्होंने विस्तार से बताया है, और जिससे दिव्यांगजन उनका लाभ ले सकें, कोई भी वंचित ना रहे, ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। आज दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ जी ने पलवल में खुला दरबार लगाया है, जिसमें उन्होंने हम दिव्यांगों की जो भी समस्याएँ हैं, कोई व्यक्तिगत समस्या, उनके निराकरण के लिए अलग अलग विभागों से सभी अधिकारी और कर्मचारी बुलाकर और जो हो सकता है उन्हें ऑन द स्पॉट निपटा रहे हैं, और उन्हें समस्या और संबंधित जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीमें, जैसे लोन की सुविधा है, 4% आरक्षण है, नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दी, और ये भी बताया कि अगर किसी दिव्यांगजन के साथ सुनवाई नहीं होती या कोई व्यक्ति या अधिकारी दुर्व्यवहार करता है तो वो उनकी एक हेल्पिंग साइट है जिस पर हम वो अपनी शिकायत लिखकर उनके पास भेज सकते हैं, और उस व्यक्ति के खिलाफ दिव्यांगजन अधिनियम 2006 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो जाता है। और फिर उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें ना तो कोई वकील करना पड़ता है ना कुछ, कमिश्नर साहब खुद ही उस मामले को हैंडल करते हैं, और सुनवाई भी वर्चुअल माध्यम से चंडीगढ़ से हमें यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, और उसमें हमें सम्मानजनक अधिकार मिलता है, हमारी सुनवाई होती है, मामले का निपटारा होता है। कमिश्नर साहब ने एक खुला दरबार लगाया हुआ है, जिन्होंने हमारी दिव्यांगों की सारी समस्याओं को सुना और सारी योजनाओं के लिए के बारे में बताया, जिससे जो हम लाभान्वित हो सकें कि जो है शायद ये इस तरह ही सेमिनार करते रहेंगे और हमारी समस्या सुनते रहेंगे। हमने कमिश्नर साहब को ये सारी समस्याओं का विज्ञापन दिया हुआ है, जिससे जो वो पूरा हल करेंगे और कोशिश भी कर रहे हैं और जल्दी ही हो जाएंगी।